शिवानमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके लिए मार्गशीर्ष मार्ग का एक और विशेष उपाय लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि यह जो मार्गशीर्ष का पहला दिवस है, इस बार मंगलवार को 28 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। इस दिन हम आपको बता दें कि रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ है, जिसमें सिद्ध योग के साथ साथ साध्य योग आया है। वो भी बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ आए हैं, जो कि आपके जीवन के हर कार्य को सिद्ध कर देगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, यह धन संबंधी रहेगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन की आर्थिक समस्या से यदि आप परेशान रहते हैं तो वो दूर हो जाएगी। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यदि आपके जीवन में कर्जा है या आप कोई ऐसा समझ लो कोई पैसा लेकर चला गया है और पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। पैसों संबंधी हर तरह की समस्या को यह उपाय दूर कर देगा। साथ साथ में जिनके जीवन की कोई कामना अधूरी है, उनका काम बनता नहीं है, बनते बनते रह जाता है, उनको भी इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं, आप परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा संकट रहते हैं, तो भी आपने इस उपाय को अवश्य कर लेना है। इस उपाय को करने से आपकी हर तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि मार्जन प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्या दूर हो सके। साथ साथ में जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि वीडियो अपलोड होती आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो भी सबसे पहले देख सके और उपाय कर सके। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपने मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, और आप कोशिश करें कि आप दोनों ही दिन करें तो और भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तुलसी के दल की जरूरत होगी, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में आपको दो लौंग लेने हैं, जो कि फूल वाले होने चाहिए। आपने केवल इन दो सामग्रियों से इस उपाय को करना है। आपने इस दोनों सामग्रियों को लेकर आपने पहुँच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। किंतु ध्यान रहे, जो हनुमान जी होने चाहिए, सिंदूरी हनुमान जी होने चाहिए, वहीं पर यह उपाय काम करेगा। वहाँ पर आपने प्रसाद के रूप में इस तुलसी दल को चढ़ाना है, और ठीक इस तुलसी दल के ऊपर ही आपने इन दो लौंगों को भी समर्पित करना है। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आप पर कृपा बरसाते हैं। वैसे भी लौंग जो है वो ऊर्जा का वाहक माना जाता है, जो कि आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए दूर करता है, आपके जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं को दूर कर देता है। और जो तुलसी दल है, महादेव के साथ साथ हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसा करने से आपके जीवन की कामना की पूर्ति होती है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवानमस्तुभ्याम की हाजिर जरूर लगाएं। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दें। श्री शिवानमस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।